एक बार की बात है, एक लड़का एक महल में रहता था। वो एक छोटा बच्चा था और वही सब करना उसे पसंद था जो अक्सर उसकी उम्र के बच्चे किया करते हैं। लुईस! हाँ मामा। देखो ये तुमने क्या किया, क्या तुम्हें अपने कपड़ों की जरा सी भी परवाह नहीं? थोड़ा तो ध्यान रखा करो। सॉरी मामा। फिर से ऐसा मत करना, ठीक है? नहीं मामा। लुईस, लुईस, कहाँ हो तुम? लुईस। बेशक लुईस कुछ गलत नहीं करना चाहता था, पर ये सब उसके बस में ही नहीं था। ये बहुत ही आसान खेल है। सबसे पहले तुम्हें ऐसे कूदना है, फिर तुम्हें रुकना होगा। कूदना और रुकना, फिर से कूदना और रुकना, फिर से कूदना और रुकना, फिर घूमो और कूदो, कूदो कूदो और रुको। अब तुम्हारी बारी। कूदो कूदो और रुको। बहुत खूब, बहुत अच्छे, अब और तेज करो। छोटे राजकुमार महल के गार्ड्स के साथ नहीं खेलते। अरे बाप रे, ये तो महारानी साहिबा है। तुम ऐसा दोबारा फिर नहीं करोगे, समझे? जी मामा। हाँ, लुईस एक छोटा राजकुमार था जिसे एक ना एक दिन राजा बनना ही था। ओ लुईस, लुईस, तुम्हारे कपड़े। मुझे तुम्हें कितनी बार कहना पड़ेगा कि अपने कपड़े गंदे मत करो। ओह, तुम भी ना बहुत शरारती हो गए हो। अब जाकर कपड़े बदल लो। जी मामा। ओ लुईस, मेरा नन्हा राजकुमार। ओ अब ठीक है, इस ड्रेस में तुम कितने सुंदर लग रहे हो। एकदम
बढ़िया, जैसा कि तुम्हें दिखना चाहिए। याद रहे, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से ही होती है। हमारी जिंदगी में ये बहुत मायने रखते हैं। अच्छा लग रहा है ना ये? ओ जी रानी साहिबा, बहुत सुंदर। बहुत ही प्यारा मैडम। अब लुईस, जाकर चुपचाप बैठो जब तक मम्मी खेल रही हैं। तुम्हारे लिए अच्छा बच्चा बनने के लिए कुछ है यहाँ। जाओ खा लो। अच्छा, कपड़ों पर चॉकलेट मत गिरा लेना। जी मम्मा, शुक्रिया मम्मा। पत्ते बांटो, अभी लंच शुरू होने से पहले हमारे पास खेलने का वक्त है। जरा यहाँ देखिए मामा, मैं कैसा लग रहा हूँ। लुईस, बहुत प्यारे, तुम्हारे कपड़े पहनने की समझ अब काफी अच्छी हो गई है। हाँ, दौड़ के लिए शानदार। शुक्रिया मामा। तो इस तरह से ये बच्चा बड़ा हुआ। इसने सीख लिया कि कपड़े कितने अहम होते हैं और अच्छा दिखना कितना जरूरी है। महाराज लुईस पधार रहे हैं। जरा सुनेंगी मम्मा? लुईस, ये तुम कैसे पहन सकते हो? तुम एक मामूली सिपाही जैसे दिख रहे हो। ऐसा करो, जल्दी से कपड़े बदल कर आओ। ये क्या, हरा रंग पहन कर आए हो? ये देखिए। बेहतर लुईस, पर तुम एक काम क्यों नहीं करते? कुछ ऐसा पहन कर निकलो जिससे तुम्हारी शान बढ़े। आखिरकार तुम जल्दी ही राजा बनने वाले हो। सावधान, महाराज लुईस पधार रहे हैं। लुईस, ओ लुईस, ये कपड़े नहीं चलेंगे। इनका रंग मेरे कपड़ों जैसा ही है। ओ, मुझे माफ कर दो माँ। अभी जाकर बदल कर आओ। ओ लुईस, कुछ और पहन लो, जल्दी करो, जाओ। जी माँ। महाराज की जय हो। गुड मॉर्निंग महाराज लुईस। हाँ माँ, नहीं माँ, ऐसे मुझे राजा कौन समझेगा?
मुझे जो पसंद है मुझे वही पहनना चाहिए। अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, सुन सुनकर मैं तंग आ चुका हूँ। ओ काश कि मैं ही कह सकूं, जिंदगी एक मजेदार बॉल की तरह है। हालांकि मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसका मजा कैसे होगा अगर कोई बॉल आके मुझे लगे। ओ एक बॉल, लगता है ये संकेत है। हेलो नन्हे पिल्ले, क्या तुम्हें भी बॉल के साथ खेलना है? ओ, तुम्हें कौन रोक सकता है? लुइस, लुइस, तुम ये क्या कर रहे हो? ओ लुइस, मैं तो बस। लुइस, तुम भी ना कितने शरारती हो गए हो, ये हमेशा मुझसे दूर भाग जाता है। माफ करना सर, मेरा नाम एंटोनियट है। और मेरा भी नाम लुइस है। तो आप ही राजा हैं, है ना? अरे नहीं बच्चे, एक बार के लिए भूल जाओ कि मैं राजा हूँ। लेकिन पहले बताओ कि तुमने अपने कुत्ते का नाम लुइस क्यों रखा? राजा जैसा नाम? ओ, आप महाराज हैं। जानते हैं आप, मेरे दादाजी आपके माली हैं। सच में? क्या वो तुम्हारे दादाजी हैं? वो बेचारा गरीब आदमी फटे हुए कपड़े पहने था, मुझे तो लगा वो कोई भिखारी है। वो भिखारी नहीं है महाराज, वो पूरी दुनिया के सबसे दयालु और प्यारे दादाजी है। बस वो अपने कपड़ों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। क्या कहा? कपड़ों की परवाह नहीं करते? मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया है, मायने रखता है कि तुम्हारे अंदर कितनी इंसानियत है, ना कि तुम्हारे कपड़े। पर मेरी माँ ने मुझे ऐसा नहीं सिखाया। उन्हें लगता है कि एक इंसान की पहचान उसके कपड़ों से होती है। नहीं, मुझे यकीन है कि दादाजी सही हैं। दादाजी मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वो गलत नहीं सिखा सकते, बिल्कुल भी नहीं। मुझे उन पर यकीन है। प्यार? किसी को प्यार करना क्या होता है? मैं दादाजी से प्यार करती हूँ, मैं लुइस को चाहती हूँ, और सभी राजा से प्यार करते हैं। आपसे महाराज। लोग मुझे चाहते हैं? सच में? मगर क्यों? क्योंकि आपका दिल बहुत बड़ा है और आप किसी को दर्द नहीं पहुंचाते। दादाजी कहते हैं कि आप अभी तक के सबसे अच्छे राजा हैं। अभी तक का सबसे अच्छा राजा? तुम्हारे दादाजी ने ऐसा कहा? मैं उनके लिए नए कपड़े खरीद कर भेजूंगा। नए कपड़े पहनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, बल्कि मैं तो नए कपड़े एक बहुत ही खास दिन के लिए मंगवाने वाला हूँ। मेरा जन्मदिन आने वाला है, पता है ना? आपका जन्मदिन? ओह, ये तो अच्छा है। जब मेरा जन्मदिन होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप तो पार्टी करेंगे? राजा तो बहुत बड़ी पार्टी करते हैं, है ना महाराज? हाँ हाँ, वो करते हैं, और पार्टी तो जरूर होगी, और वहाँ बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत खास लोग। लेकिन ज्यादातर लोगों को तो मैं नहीं जानता, पर मैं अपने नए कपड़ों में बहुत सुंदर दिखूंगा। सच में? कैसे कपड़े बनवाए हैं आपने? खैर मैं असल में नहीं जानता, मैंने अभी तक बनवाए नहीं। राजा अपने कपड़े कहाँ से बनवाते हैं? बहुत सी जगहों से। मुझे हमेशा कुछ अलग सा पहनना अच्छा लगता है। खैर आप इसके लिए एक प्रतियोगिता रख सकते हैं कि आपके कपड़े कौन बनाएगा। इस तरह से बाकी लोगों को भी मजा आ जाएगा। हाँ हाँ, सही कहा, ये तो मजेदार होगा। ओ हाँ हाँ, और मैं इनाम भी रख सकता हूँ, बहुत बड़ा इनाम। हाँ मैं इसके बारे में सोचूंगा, अब मुझे चलना चाहिए। बाय बाय, चलता हूँ। सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो,
सभी शांत हो जाओ और सुनो। सुनो सुनो, महाराज ने एक प्रतियोगिता का ऐलान किया है। प्रतियोगिता? बहुत मजा आएगा। ये प्रतियोगिता किस चीज की है? उसे 1000 सोने के सिक्के मिलेंगे जो महाराज के जन्मदिन के लिए सबसे अलग और सबसे अच्छा सूट बनाएगा। अरे ये सब कहाँ चले गए? राजा के लिए नए कपड़े बनाने का मुकाबला शुरू हो गया। दूर दूर से लोगों ने राजा के लिए कपड़े बनाने शुरू कर दिए। सभी वो 1000 सोने के सिक्के जीतना चाहते थे। ओ, पक्का ये लुईस को अच्छा लगेगा। क्या बात है, ये तो उनके ऊपर बहुत ही शानदार लगेगा। ये नए कपड़े तैयार हैं, बहुत ही शानदार। बहुत बढ़िया मोशाए, क्या कह रहे हो अगर हम टेलरिंग बिजनेस शुरू कर दें? मानना पड़ेगा, इस काम के लिए हम दोनों से बेहतर कोई नहीं है। मुझे लगता है कि हम लोग राजा के लिए सबसे बेहतरीन सूट बना सकते हैं। सीने का नाप 48। मेरा सीना 48? पेट काफी मोटा है, नाप में नहीं आ रहा। मोटा है? मैं तो जिंदगी में कभी मोटा हुआ ही नहीं। आपको क्या लगता है, मैंने सही कहा ना? जी हाँ महाराज, अभी तक के राजाओं में आप सबसे दुबले पतले हैं। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है। क्यों ना हम प्रतियोगिता रद्द कर दें? जो मुझे चाहिए इन्हें कभी नहीं मिलेगा, और अगर मिल भी गया तो पता नहीं मुझे पसंद आएगा या नहीं। इन सबको वापस भेज देते हैं। जरा सुनिए तो महाराज, माफ करना महाराज, पर हम कुछ कर तो नहीं सकते, पर हम उन सभी बेहतरीन दर्जियों की तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आपकी फिजिक सबसे कमाल है सर, आप मेरा यकीन कीजिए। जी महाराज, ये सच कह रहे हैं। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? जी जी, और हम ये साबित कर सकते हैं। माशा, मुझे जरा इंची टेप दो। तो ये देखिए महाराज, एकदम बढ़िया, यहाँ से 36 और अब पेट। देखा, जैसा मैंने सोचा था, बहुत खूब, सिर्फ 30। इस बिजनेस में बदमाश लोग बहुत घुसाए महाराज। बदमाश? सच में? जी बिल्कुल, वो सभी अपने ग्राहकों से कहते हैं कि वो मोटे हैं ताकि वो ज्यादा कपड़े बेच सकें। वो तो बल्कि गलत इंची टेप का इस्तेमाल करते हैं, यकीन कीजिए। और ये बताओगे कि तुम दोनों कौन हो? माफ कीजिएगा महाराज, मैं हूँ सज, और ये है मेरा साथी मशा। हम दर्जी हैं, जादुई कपड़ा बनाने वाले। क्या जादुई कपड़ा? प्लीज महाराज,
थोड़ा धीरे बोलिए, पर हाँ, एक जादुई शानदार कपड़ा जिसकी कीमत नहीं लगा सकते। उससे बेहतर कपड़ा पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा सर। और वो कपड़ा सिर्फ सोने और चांदी के धागों से बनता है सर। बिल्कुल महाराज, इंद्रधनुष जितना सुंदर लगता है इतनी बारीकी से बनाया जाता है, खासकर आप जैसे राजाओं को ध्यान में रखते हुए महाराज। कुछ और बताओ मुझे, ये तो बिल्कुल मेरी पसंद का लग रहा है। वो जादुई कपड़ा सिर्फ समझदार और खास लोगों को ही दिखता है, जैसे कि आप महाराज। वो बेवकूफों को नहीं दिखता। अगर मैं ऐसे कपड़े पहनूंगा जो बेवकूफों को नहीं दिखेगा, तो मुझे भी पता लग जाएगा कि मेरे राज्य में कौन सही है और कौन गलत। बिल्कुल। अच्छा, तो तुम बनाना शुरू कर दो, मेरे जन्मदिन में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। तुम बना पाओगे ना? जी हाँ बिल्कुल महाराज, ये तो हमारे लिए सबसे खुशी का दिन है, है ना मोहिशा? हाँ बिल्कुल, ये हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। अगर महाराज की आज्ञा हो तो हम शहर के बिल्कुल किनारे रहते हैं। हाँ हाँ, फिक्र मत करो, हमारे मंत्री जी तुम्हारे लिए महल में ही रहने का इंतजाम कर देंगे। क्या मैं? अच्छा जी, जरूर। पर हम ऐसे नहीं हैं। मुझे अब और कुछ नहीं सुनना। तो फिर हमें चाहिए होगा सोना, रूबीज, पन्ना, हीरे और नीलम, और महाराज ये चाहिए बहुत सारे। सूट में लगाने के लिए महाराज। ओह हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। प्रधान जी, जल्दी से इंतजाम किया जाए। क्या तुम सचमुच बदमाश तो नहीं हो? हम नहीं। ये बहुत आसान था सर्ज, जैसे कि किसी बच्चे से मिठाई छीनना। जरा सोचो माशा, इनके खत्म होने तक शायद हम सिलाई भी सीख जाएंगे। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें फिर से हरा दिया। सुनिए माँ, मेरे पास आपको देने के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। लुइस, तुमने हमारी गेम खराब कर दी, जाओ अभी। ठीक है माँ, मुझे माफ कर दो, वैसे ये इतनी भी जरूरी खबर नहीं थी। पता है मैं एक शानदार सूट बनाने जा रहा हूँ अपने जन्मदिन के लिए, और मैं बहुत खुश हूँ। कैसे हैं महाराज? अरे तुम यहाँ? अच्छा हुआ कि तुम फिर से मुझे यहाँ मिल गई। मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता था। पर क्यों महाराज? प्रतियोगिता वाले आइडिया के लिए, क्योंकि मेरे नए कपड़े सिर्फ सुंदर ही नहीं होंगे बल्कि वो जादुई भी होंगे। जादुई महाराज? हाँ, मेरे नए कपड़ों से मैं ये बता सकूंगा कि कौन बेवकूफ है और कौन नहीं, क्योंकि सिर्फ समझदार लोग ही मुझे देख सकेंगे। तो है ना ये मजेदार बात? इससे मैं लोगों पर नजर रख सकूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। <आहा। laughs>
सर्ज और मोशे दोनों अपने कमरे में काम करने का दिखावा करते जैसे वो ऐसे कपड़े सिल रहे हैं जिन्हें कोई नहीं देख सकता। थोड़ा सा और ना दिखने वाला धागा लगेगा, तुम्हें क्या लगता है मोशा? हाँ बिल्कुल सर्ज, और धागा लूं? क्या इतना काफी है? बात खूब। ये बिजली कड़कना और तूफान कितना मजेदार है ना? अंदर से आप सुरक्षित महसूस करते हो। मुझे ये मौसम बहुत पसंद है, आपको भी है? जी महाराज, मुझे भी पसंद है। पता नहीं उस दर्जी ने कितना काम किया होगा, मुझे अपने नए कपड़े देखने के लिए इंतजार नहीं हो रहा। मैं समझ सकता हूँ महाराज, पर उनकी तरफ से कोई खबर नहीं आई। तो जाओ जरा उन्हें जाकर देखो कि उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं। मेरे जन्मदिन तक मुझे सब तैयार चाहिए। अभी जाके देखता हूँ महाराज। और धागा, और धागा, और धागा। बन रहा है, बन रहा है। रात दिन सर काम में काम प्रधान जय। हमने सांस तक नहीं लिया है नमाशा। क्या तुमने कुछ कहा सर्ज? प्रधान जी जानना चाहते हैं हम महाराज के जन्मदिन से पहले सूट तैयार कर देंगे या नहीं। बहुत आसानी से। हमने अंग रखा तो बना लिया है प्रधान जी, ध्यान से देखिए, है ना शानदार। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कुछ भी नहीं दिख रहा, ये तो गलत बात है ना? जरा सोचिए, अगर आप कुछ नहीं देख पा रहे तो हमें जाकर महाराज को ये बताना पड़ेगा। ओह हाँ, मैं देख पा रहा हूँ, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। मैं महाराज को जाके कह देता हूँ कि सब वक्त पर तैयार हो जाएगा। महाराज से कहिएगा सब सही चल रहा है, उनका सूट बस समझिए बनने ही वाला है। ओह, मैं आपसे एक बात बताना ही भूल गया, हमने लगभग सारे हीरे और रूबी इस्तेमाल कर लिए हैं, तो अगर आप थोड़े और भेज देंगे तो अच्छा रहेगा। इससे वक्त भी बचेगा, अगर हम महाराज को कुछ नहीं बताए तो आपको नहीं लगता तो हमारा काम भी ज्यादा देर तक नहीं रुकेगा। नहीं, मेरे ख्याल से आपके नए कपड़ों के बारे में क्या कहूँ महाराज, ऐसा बना है कि आपने सोचा भी ना होगा। और किस रंग का है प्रधान जी? मुझे रंगों में बड़ी दिलचस्पी है, कहीं हरा रंग का तो नहीं है ना? नहीं बिल्कुल भी नहीं महाराज। बहुत अच्छा। उन्होंने ज्यादातर सोना चांदी और हीरों का इस्तेमाल किया है महाराज, और उसे पूरा करने के लिए उन्हें और हीरे चाहिए। जल्दी से भेज दो, उन्हें जो चाहिए जितना चाहिए भेज दो। मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा था महाराज। इतने सालों से मौशा सोच रहे थे, हम प्लान बना रहे थे कि हमें इस भूख से, सर्दी से, गरीबी से छुटकारा मिल सके। देखो कितना अच्छा फल मिला है, हम अमीर हो गए, अमीर। सुनो सुनो सुनो, महाराज लुईस ने अपने जन्मदिन की खुशी में 2 दिन की छुट्टी का ऐलान किया है।
सुनो सुनो सुनो। और इस दिन को खास बनाने के लिए महाराज अपने नए कपड़े पहनकर पूरे शहर का चक्कर लगाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अरे नहीं, सभी देख लेंगे कि महाराज के साथ धोखा हुआ है। वो हमें जेल में डाल देंगे या हमारा सिर काट देंगे। नहीं नहीं, घबराओ मत, हमारे पास अभी भी 2 दिन है। माशा, आराम से बैठ कर कुछ सोचते हैं। देखना, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। तुम्हारे नए सूट की लुईस, कोई खबर मिली? मैं बस अभी पता लगाने ही वाला था प्रधान जी। मैं अभी जाकर देखता हूँ महाराज। महाराज से कहिए, हम जल्द से जल्द उनके सामने पेश करेंगे। ये देखे प्रधान जी, जैकेट, ये भी बन चुके हैं। क्या ख्याल है, कब इतनी खूबसूरत चीज देखी है आप रहे? नहीं, इस जैकेट में जितना सोना चांदी और हीरे लगे हैं वो बहुत ही बेशकीमती हैं। ये देखिए, देखा आपने? और चोंगे के बारे में तो क्या कहूँ, ये तो इससे भी ज्यादा बेशकीमती है। बेकार है, उप्स, बेशकीमती। ये बस हमारे बीच है प्रधान जी, मोशार मैं किसी से कुछ नहीं कहेंगे। सोचिए आपका क्या होगा अगर आपको ये सूट नहीं दिखाता हो। सोच कर भी डर लगता है। बात यह है कि इसकी खूबसूरती देखकर मैं अंधा हो गया हूँ। मैं महाराज से कह देता हूँ कि तुम अच्छा काम कर रहे हो। खैर, तो मेरे ख्याल से उनमें इतना सारा सोना चांदी और हीरे लगाने के बाद वो बेशकीमती हो गए हैं, तो उनकी सुरक्षा का भी ख्याल रखा जाए प्रधान जी, अच्छे से उसका इंतजाम किया जाए, ठीक है? जी महाराज, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। ये मैं तुम्हें देता हूँ सच। वैसे किसने सोचा था कि हम इतने अमीर हो जाएंगे? सुबह जब वो हमसे मिलने आ गए तब तक तो हम मीलों दूर पहुँच चुके होंगे। इससे ज्यादा तो मैं उठा भी नहीं पाता हूँ। मेरे ख्याल से तुम दोनों बिना मतलब तो क्या खड़े नहीं होंगे? नहीं, तुम हमारे लिए ही खड़े हो, है ना? नहीं, हम यहाँ महाराज के नए कपड़ों की रखवाली कर रहे हैं। अच्छा है कि तुम लोग यहाँ गए, क्योंकि हम बस बाहर जाने का सोच ही रहे थे। ना कोई अंदर आएगा और ना बाहर जाएगा, प्रधानमंत्री का हुक्म है। मुझे मेरी गर्दन पर तलवार नजर आ रही है सर्ज, अब हम क्या करें? शांत रहो, शांत रहो। शायद हमारे साथ इतना भी बुरा नहीं होगा। अगर प्रधानमंत्री को यकीन हो सकता है तो किसकी हिम्मत जो इस पर यकीन न करे? किसकी हिम्मत यकीन न करे? किसकी हिम्मत है यकीन न करे? सिर्फ महारानी ही है जिसने, अगर महाराज को बिना कपड़ों के देखा तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। लेकिन अगर हमने महाराज को इस पर यकीन दिला दिया तो नहीं, अब हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं ऐसा करने के अलावा।
रहा है कि महाराज के कपड़े सोने और चांदी के बने हैं। सभी ऐसा ही कर रहे हैं। अरे मैंने तो सुना है कि वो कपड़े जादुई हैं। जो लोग बेवकूफ नहीं हैं, सिर्फ वही उन्हें देख सकते हैं। देख लेना, मेरे पति को तो वो पक्का नहीं दिखेंगे। बस कुछ ही देर प्रधान जी, मुझे तो लग रहा है जैसे मैंने अपने नए कपड़े पहन लिए हों। और मैं भी आपको ये पहने हुए देख पा रहा हूँ महाराज। माँ भी इंतजार कर रही होगी, शायद उन्हें भी अच्छा लगे। जी महाराज, पक्का ऐसा ही होगा। अंग रखा अच्छे से पकड़ो माशा, गंदा हो जाएगा अगर जमीन से जरा भी लग गया था। ये लीजिए महाराज, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये आईना। सही कहा तुमने, बिल्कुल आपको दिख रहा है ना प्रधान जी? जी हाँ दिख रहा है, बिल्कुल आपकी तरह। देखिए क्या कमाल की कारीगरी की है, और रंग तो देखिए कितने शानदार हैं, है ना? और साथ ही साथ हमने इसे बड़ी ही सफाई से सिला है, जरा इसकी बनावट तो देखिए। ये ले जाए, देखिए इसे महाराज, महसूस कीजिए, ये हवा की तरह एकदम हल्का है। अरे अरे हाँ, ये तो बिल्कुल हवा की तरह है, बहुत खूब। प्रधान जी जरा आप भी देखिए। हाँ हाँ, बिल्कुल हवा की तरह। कुछ आशंका है क्या महाराज? मुझे थोड़ी सी घुटन हो रही है, बस और तो कुछ नहीं। मैं जरा ताजी हवा खा के आता हूँ, इससे पहले कि मैं अपने नए कपड़े पहन लूँ। ये मुझे क्या हो रहा है, मुझे अपने नए कपड़े नहीं दिखाई दे रहे। क्या मैं अंधा हूँ? नहीं, मैं अंधा तो नहीं, मैं शायद पागल हो जाऊंगा। एंटोनेट मेरी मदद करो। एंटोनेट, अरे वो तो यहाँ नहीं है, वो पक्का भीड़ में खड़ी होगी मुझे देखने के लिए। अब मैं क्या करूं? काश वो सही है कि लोग मुझे चाहते हैं, पर अगर मैं अपने नए कपड़े नहीं देख पा रहा तो मैं शायद उनके प्यार के लायक ही नहीं। क्या मैं बेवकूफ हूँ जो राजा बनने के लायक नहीं है? पर प्रधान जी तो देख पा रहे हैं। हाथ ऊपर कीजिए महाराज। वाह वाह, बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? बिल्कुल बिल्कुल महाराज। बहुत बढ़िया आपकी पैंट महाराज। कोई भी इसके बिना तो जा ही नहीं सकता। है ना मौशा? सच सही कहा। हाँ वो तो है। खैर
ला ला, क्या बात है महाराज, अगर आप कहने की इजाजत देता हूँ। ओ हाँ, बस आखिरी बार कह दो दर्जी। जैकेट? हाथ ऊपर कीजिए प्लीज महाराज। और अब सबसे खास चीज, अंगरखा माशा। तो ये देखिए महाराज, आपके नए कपड़े। क्या कहते हैं प्रधान जी, आपको इसमें कुछ कमी नजर आ रही है? नहीं, कोई कमी नहीं है महाराज। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। जी हाँ महाराज, सोच से परे, मैं भी इससे बेहतर कुछ नहीं बना सकता। पक्का ये मुझ पर अच्छे लग रहे हैं? इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। वाह कमाल बर्थडे सूट, भरोसा रखे महाराज, जन्मदिन मुबारक हो। जन्मदिन मुबारक हो महाराज। और भी लोग इंतजार कर रहे हैं महाराज, वक्त हो गया है शहर में चक्कर लगाने का। सिपाहियों से कहो कि महाराज के जाने का वक्त हो गया। मैं देखना चाहती हूँ मेरा बेटा कैसा दिख रहा है। मुझे महाराज आते हुए दिख रहे हैं। और मैं देख पा रही हूँ। याद है जॉन, जिसे भी महाराज के कपड़े नहीं दिखेंगे उसे बेवकूफ कहा जाएगा। मैंने कहा था ना, हम आसानी से बच जाएंगे माशा। पर मैं कुछ नहीं देख पा रहा, उन्होंने क्या पहना है? मुझे तो पता ही था कि तुम बेवकूफ हो जॉन। ओहो, अब दिख रहा है, ये तो बहुत सुंदर है। आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं महाराज। क्या तुम्हें मेरे नए कपड़े अच्छे लगे? ये तो तुम्हारा ही आइडिया था ना? मुझे एक दोस्त की तरह सच सच बताना, क्या ये मुझ पर अच्छे लग रहे हैं? महाराज ये वो नहीं, ना ये सोने और चांदी के धागे, ना ही ये हीरों की चमक। वो महाराज, यहाँ कोई सोने और चांदी के धागे नहीं है, ना ही हीरे, ना ही कोई जवाहरात। मुझे तो कपड़े ही नहीं दिख रहे।
कितनी बेवकूफ है ये छोटी लड़की। उसकी हिम्मत कैसे हुई? पागल है, झूठी है। क्या तुम यकीन के साथ कह सकती हो? जी महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, पर यही सच है। आपने अपने पजामे के अलावा और कुछ नहीं पहना है। तो सही में पागल है ये। इसे कपड़े नहीं दिख रहे, इतने सुंदर कपड़े भी हैं और बेवकूफ भी। रुको, ये झूठ नहीं बोल रही। सच में कोई कपड़े नहीं है, ये बेवकूफ नहीं है, बल्कि मैं हूँ। सबसे बड़ा बेवकूफ तो मैं ही निकला। मैं किसी भी काम का नहीं, मैं राजा बनने के लायक ही नहीं हूँ। आज मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। पर महाराज, सभी अभी भी आपको चाहते हैं। क्या सच में? हाँ, हम आपको चाहते हैं महाराज लुईस, हमें आप पसंद हैं। हमारे महाराज की जय हो। हमारे महाराज की जय हो। 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 देखा आपने महाराज, लोग आपको चाहते हैं क्योंकि आपका दिल साफ है। जैसा कि दादाजी ने कहा था, कपड़ों के लिए नहीं। तुम्हारे दादा ने बिल्कुल सही कहा एंटोनिएट। तुमने मुझे सिखाया है कि इंसान का दिल मायने रखता है, उसके कपड़े नहीं। प्रधान जी, इसके लिए मैं किसी को भी जिम्मेदार नहीं मानता, ये मेरी गलती थी। पर क्या हम उन दोनों चोरों को पकड़ सकते हैं जिन्होंने मेरा खजाना लूटा है? मैं अभी उन दोनों चोरों को पकड़ने के लिए सिपाहियों को भेजता हूँ। ठीक है, जल्दी भेजिए। मैं आप सभी को मेरे जन्मदिन की दावत के लिए महल के अंदर आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। कि हम आसानी से बच जाएंगे भाषा।